प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में विभिन्न विकास कार्यों का किया उद्घाटन और शिलान्यास। कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति एनडीए की है अलग नीति। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने आज अपने लोकसभा क्षेत्र जयपुर ग्रामीण में विभिन्न कार्यक्रमों में की शिरकत। धादुका गांव में महात्मा ज्योतिबा फुले की मूर्ति का किया अनावरण। गुर्जर समाज के आरक्षण आंदोलन से रेल और सड़क यातायात प्रभावित। सरकार ने कहा, जल्द होगा समाधान। सवाईमाधोपुर और बूंदी में गुर्जर समाज से लोगों का आंदोलन जारी। ऋतुराज वसंत के आगमन का पर्व बसंत पंचमी आज। ऋतुराज वसंत के आगमन का पर्व बसंत पंचमी आज। मां सरस्वती की आराधना के साथ हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। नमस्कार, दूरदर्शन समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव शर्मा। समाचार अब विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरे देश की ऊर्जा पूर्ति के लिए तेल और गैस परियोजनाओं का समय पर विकास हमारी प्राथमिकता है। मोदी ने आज आंध्र प्रदेश के गुंटूर में ONGC के विशाखापट्टनम स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व सुविधा का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने कृष्णा गोदावरी बेसिन में स्थित तेल और प्राकृतिक गैस निगम की S1 विकास परियोजना का भी उद्घाटन किया। साथ ही BPCL के नए टर्मिनल स्थापना की आधारशिला रखी। अक्षरा क्रमाम लोन कंकुड़ा अन्नी रंगालालो अंशालालो अग्र गामुलैना आंध्र प्रदेश प्रजालाको शुभकांक्षालु। पद्मभूषण, दलित रत्नम, कवि कोकिला गुर्रम जसुवा जन्मिन चीना गुटूर जिला प्रजालाको नमस्कारम। महाकवि टिक्कन्ना जन्मी चीना गुंटूरु का मारियो गुटूर प्रजाला को नमस्कारम। भाइयों और बहनों, ये शहर, ये जिला दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं का साक्षी तो रहा ही है। इस क्षेत्र में भविष्य के आंध्र प्रदेश और नए भारत की आकांक्षाओं का सेंटर बनने की भी पूरी क्षमता है। साथियों, इसी सोच के साथ थोड़ी देर पहले यहां पेट्रोलियम इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया है। ये प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, पूरे देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी अहम है। रविंद्र राज कर रहे हो। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमिलनाडु के तिरुपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने चेन्नई मेट्रो रेल के 10 किलोमीटर हिस्से को शुरू किया। ये राजधानी में 45 किलोमीटर लंबी मेट्रो रेल के पहले चरण को पूरा करता है। साथ ही चेन्नई में 470 बेड वाले आधुनिक ESIC अस्पताल का उद्घाटन किया। इस 100 बेड के वाले ESIC अस्पताल की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने चेन्नई और त्रिची हवाई अड्डों के टर्मिनल के आधुनिकीकरण और विस्तार कार्यों का भी शुभारंभ किया। उन्होंने चेन्नई पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, BPCL के एन्नोर कोस्टल टर्मिनल और चेन्नई पोर्ट से उत्तरी चेन्नई के मनाली में रिफाइनरी के लिए नए कच्चे तेल की पाइपलाइन भी शुरू की। थैंक यू सर, थैंक यू डिग्निटरीज। एट द चेन्नई एयरपोर्ट द चेन्नई मेट्रो पाइपलाइन फ्रॉम चेन्नई पोर्ट टू मनाली रिफाइनरी। All these works will go a long way in boosting ease of living for the people of Tamil Nadu. Over the last few weeks, you would have seen people across the country wear interesting
Namo merchandise T-shirts and hoodies with the message of Namo again. Do you know where most of it is made? It is in this beloved Tirupur. प्रयागराज कुंभ मेले में वसंत पंचमी के अवसर पर आज तीसरा शाही स्नान चल रहा है। कुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के साथ शाही अखाड़े और उनसे जुड़े साधु संत भोर से ही गंगा स्नान करने में लीन हैं। शाही स्नान में आज 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं की दिव्य कुंभ में डुबकी लगाने की उम्मीद है। मेला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस बार यातायात प्रबंधन योजना को और सख्त कर दिया गया है। श्रद्धालुओं के स्नान के लिए संगम और आसपास के स्थानों पर 40 स्नान घाट तैयार किए गए हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने आज अपने लोकसभा क्षेत्र जयपुर ग्रामीण में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कोटपुतली तहसील के दादुका गांव में महात्मा ज्योतिबा फुले की मूर्ति का अनावरण किया तथा एक सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले के विचार आज भी प्रासंगिक हैं और हम सबको उनके बताए गए रास्ते पर चलना चाहिए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री कर्नल राठौड़ ने कहा कि भारत गांवों में बसता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से हमें भारत की संस्कृति का पता चलता है। महात्मा ज्योतिबा फुले ये भारत की संस्कृति, यहाँ की परंपरा, गांव-गांव में बसने वाली ये शक्ति है। यहाँ हम अपने से पहले समाज को रखते हैं, अपने से पहले देश को रखते हैं, इसी को जागृत करते रहना, यही हम सबका लक्ष्य रहना चाहिए। और आज जब गांव के अंदर इस तरह की मूर्तियाँ जब लगती हैं तो ये हम सबको याद दिलाती हैं कि हमें ऐसा बनना है और हर वक्त हमें इस तरह से काम करना है। सामूहिक विवाह का जो कार्यक्रम भी आप करवा रहे हैं कि अपने पूरे क्षेत्र में, अपने पूरे समाज में जो पीछे रह जाते हैं उनको जो सक्षम लोग हैं वो हाथ पकड़ के आगे लाएं, उनकी मदद करें, यही हमारी संस्कृति है भारत की। मुझे खुशी है कि भारत की संस्कृति अभी भी पूरी तरह से ग्रामीण भारत के अंदर जिंदा है। इसको हमें और बढ़ावा देना है, हमें इसको और मजबूती देनी है। मैं धन्यवाद देता हूँ सबका जो इसमें शामिल है। महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश आज दौसा जिले के दौरे पर रहीं। उन्होंने यहां विभिन्न स्कूलों में जाकर कार्यक्रमों में शिरकत की और विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। भंडारी विद्यालय में उन्होंने 3 करोड़ से अधिक लागत के विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास किए। ममता भूपेश केहड़ली और मोरली स्थित विद्यालयों में भी पहुंची जहां उन्होंने सरस्वती प्रतिमा का अनावरण किया। देखिए, हम लोगों की प्राथमिकता रहेगी कि हम शिक्षा के स्तर को सुधारें और महिलाओं को, बच्चियों को, सबको अग्रिम पंक्ति में लेकर आएं। ये जो शिलान्यास समारोह हम लोग कर रहे हैं, मैं समझती हूँ हमारी सरकार आने वाले समय में जनता के हितों में, जनता के भले में बहुत से ऐसे कार्य करेगी जिससे जनता को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल सके। ग्राम पंचायतों को मजबूत किया जाएगा, संसाधनों से उपलब्ध कराया जाएगा और स्कूलों को फैसिलिटेट किया जाएगा। आरक्षण की मांग को लेकर प्रदेश में गुर्जर समाज का आंदोलन जारी है। आंदोलन को देखते हुए सरकारी और सरकार की ओर से सतर्कता बढ़ती जा रही है। रेलवे ट्रैक की सुरक्षा के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। आंदोलन के चलते दिल्ली मुंबई रेलवे मार्ग पर चलने वाली कई ट्रेनों को रेलवे प्रशासन द्वारा निरस्त कर दिया गया है या डायवर्ट करके निकाला जा रहा है। मलारना स्टेशन पर रैपिड एक्शन फोर्स और रेलवे सुरक्षा बल सहित राजस्थान पुलिस की 3 कंपनियों को तैनात किया गया है। आरक्षण की मांग को लेकर बूंदी में गुर्जर समाज ने सड़क जाम करना शुरू कर दिया है। बूंदी के नैनवा में नेशनल हाईवे 148 डी को गुर्जर समाज के लोगों ने जाम कर दिया और आवागमन को बाधित किया। समाज के लोगों ने यहां नारेबाजी की और टेंट लगाकर बैठ गए। पुलिस दल ने व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए अन्य स्थानों से यातायात को डायवर्ट किया। सरकार से हमारी 3 मांगे मुख्य है। एक तो 5% आरक्षण और एक 10 साल से जो हमारा 4% बैकलॉग है वो, और आयकर सीमा जो है वो 8 लाख तक की जाए। ये मुख्य मांगे 3 ही है। इसको लेकर आज आपने क्या किया है बूंदी जिले में भी? हमने बूंदी जिले के अंदर एक नेशनल हाईवे 148 डी पर जाम लगाए हैं। पर्याप्त स्टाफ वगैरह लगाया गया है, साथ में पूरी निगाह वो स्वयं रख रहे हैं
मैं स्वयं भी पूरे स्टाफ को ब्रीफ कर दिया गया है। यहाँ पर इन्होंने ये टोपा गांव है उसके पास में दिवाली की ढाणी है उसके पास में 148D जो हाईवे में गायवे निकला है उस पे इन्होंने जाम लगाया, रास्ते के अंदर बैठ गए कि हमारा उच्च कमान से जहाँ निर्देश है इनको कि साहब हम तो यहाँ आरक्षण की मांग लेके बैठे हैं। समझाइश की गई, समझाइश के बावजूद भी इनमें नहीं है तो आसपास में रास्ते डाइवर्ट कर दिए गए हैं। जनता को ऐसी कोई परेशानी नहीं है, ना ही कोई एक भी व्हीकल खड़ा है यहाँ पर। आज वसंत पंचमी है, ऋतुराज बसंत के आगमन पर आज के दिन माँ सरस्वती की पूजा का विशेष विधान बताया गया है। आज लोग पीले वस्त्र धारण कर माँ सरस्वती की आराधना करते हैं। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के अनेक स्थानों पर सांस्कृतिक और अन्य आयोजन किए गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वसंत पंचमी के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने शुभकामना संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन में उत्साह, उमंग और नई ऊर्जा का ये दिन विद्या और ज्ञान की देवी सरस्वती की आराधना को समर्पित है। रेल राज्य मंत्री राजेन गोहेन ने आज चुरू में 721 करोड़ रुपए की रेल सेवाओं के विद्युतीकरण कार्य और 30 करोड़ रुपए के हनुमानगढ़ दिल्ली बाईपास रेल लाइन का शिलान्यास किया। रेल राज्य मंत्री ने सादुलपुर रेलवे स्टेशन से सीकर श्रीगंगानगर त्रिमासिक एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन वाया चुरू सप्ताह में 3 दिन चलेगी जिसका 12 फरवरी से नियमित संचालन शुरू किया जाएगा। उनका विद्युतीकरण का भी टेंडर जो हो चुका है, काम उसका लगभग चालू हो गया है, उसका भी शिलान्यास करने के लिए मंत्री महोदय आए हैं। हम गंगानगर से सीकर जो ट्रेन हमारी है जिसकी बहुत दिनों से डिमांड थी, सादुलपुर से हनुमानगढ़ का जो ट्रैक हमारा नया खुला था उसके ऊपर कोई भी एक्सप्रेस ट्रेन नहीं चल पा रही थी, अंत्योदय हमने चलवाई थी, उसके बाद उसकी एक डिमांड हमारी रही है और आज उसका उद्घाटन करने के लिए मंत्री मोदी आए हुए हैं। गंगानगर से सीकर की ट्रेन आज चलेगी, 3 सप्ताह की ट्रेन है ये। प्रदेश में स्वाइन फ्लू की स्थिति राज्य सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद काबू में नहीं आ पा रही है। कल प्रदेश में 5 और मरीजों की स्वाइन फ्लू से मौत होने के साथ ही पिछले 40 दिनों में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 105 हो गई है। वहीं कल 66 और नए स्वाइन फ्लू पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का कहना है कि स्वाइन फ्लू से घबराएं नहीं बल्कि इसके लक्षण दिखने पर जाँच कराएं और त्वरित उपचार लें। चित्तौड़गढ़ में आज 3 दिवसीय चित्तौड़गढ़ फोर्ट फेस्टिवल का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर शहर से दुर्ग तक शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया गया। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने शोभा यात्रा को रवाना किया। शोभा यात्रा में लोक नृत्यों और लोक वाद्यों सहित कलाकार चल रहे थे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक जिन्होंने अपनी सोच के आधार पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह इतना भव्य कार्यक्रम आयोजित किया है। ये इनका जिस आदमी का जो टेस्ट होता है उधर वो काम करते हैं। ये जब पहले बूंदी में थी कलेक्टर महोदया, जब वहाँ भी शुरू किया था और यहाँ जब चित्तौड़ आए तो ये तो विश्व धरोहर है। चित्तौड़ किले का नाम पूरे विश्व में है। जितना पर्यटन को यहाँ से बढ़ावा मिलेगा निस्संदेह उसका फायदा आम जनता को भी मिलेगा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। शोभा यात्रा में अलग अलग तरह की झांकियां हैं, 5 तरह की। सर, चित्तौड़गढ़ का फोर्ट पूरा झांकी में है, पन्नाधा है और मीरा और हमारे जो फॉरेस्ट एरियाज़ है उसकी भी एक झांकी है, एक मिनाल की झांकी है और इसके अलावा अलग अलग पारंपरिक परिवेश में हमारे जितने भी चित्तौड़गढ़ वासी हैं वो सब उसमें जुड़ेंगे अलग अलग पॉइंट्स पर। हमारे जितने भी लोग हैं चित्तौड़गढ़ वासी उन्होंने अलग अलग पॉइंट्स पर अपने स्वागत के लिए ना द्वार लगा रखे हैं, जो मैंने देखा अभी सब वेट कर रहे हैं। प्रदेश में चल रहे 30वें सड़क सुरक्षा सप्ताह का आज समापन हो गया। इस मौके पर जयपुर के साइंस पार्क में राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा कार्यक्रम का समापन समारोह आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने आम जन से सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद के लिए आगे आने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों ने नुक्कड़ नाटक और संगीत के माध्यम से लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारियां दी। इस दौरान जयपुर पुलिस की DCP ट्रैफिक पूजा आवाना सहित अनेक अधिकारी मौजूद रहे। शुरुआत करने जा रहे हैं और सड़क सुरक्षा सबसे अवेयरनेस के लिए कि हम लोगों को समझा पाए कि ये सड़क आपको सुविधा देती है लेकिन इसमें सुरक्षित चलना आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी है।
जब आप सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे तभी सुरक्षित रह पाएंगे। परिवहन विभाग, सरकार सब चिंतित रहती है। हर एक घंटे में एक व्यक्ति की डेथ होती है सड़क दुर्घटना के कारण, और उसमें ज़्यादा कारण होता है लापरवाही। अब इस लापरवाही से हमें बचना होगा, हमें इस ये जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी कि हम हेलमेट पहनकर चलें, सड़क पर चलें तो नियमों का पालन करें, रेड लाइट तोड़कर नहीं भागें। इसमें लगभग परिवहन और यातायात विभाग दोनों ने ही मिलकर अच्छी कार्रवाई करी। यातायात पुलिस के द्वारा विभिन्न जगहों पर तकरीबन 20 स्कूलों में कार्यक्रम रखे गए, जहां बच्चों को जानकारी दी गई कि ट्रैफिक रूल्स क्या हैं और उन्हें वायलेशन के क्या नतीजे हो सकते हैं। तो उनको ये संदेश पहुंचाया गया कि सड़क सुरक्षा ही जीवन रक्षा है। इसके अलावा लगभग 250 लोगों को BLS की ट्रेनिंग दी गई, जिससे कि वो गुड समैरिटन बन सकें और सड़क पर जो हादसे होते हैं उनमें विभिन्न जगह पर लोगों की जान बचाई जा सके। चूरू में कल आयोजित विधिक सेवा शिविर में 91 दिव्यांग जनों को सहायक उपकरणों के साथ ही सहायता राशि वितरित की गई। जिला और सत्र न्यायाधीश अयूब खान की अध्यक्षता में आयोजित इस शिविर में पुलिस और प्रशासन से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों ने रक्तदान भी किया। न्यायाधीश खान ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन से आम जन को केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानने का अवसर मिलता है। विधिक सेवा शिविर एक जिले में आयोजित होता है, उनमें से इस वर्ष का प्रथम शिविर का आयोजन इस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रांगण में रखा गया था, जिसमें करीब 100 लोगों ने आज रक्तदान किया। चूरू के सभी विभाग यहाँ मौजूद हैं, अपनी अपनी सेवाएं, अपनी जानकारी, जो भी जनता की योजनाएं हैं वो देने के लिए तत्पर हैं। सभी लाभार्थियों को आज लाभान्वित किया गया है, सभी विभाग उपस्थित हैं, अधिवक्ता संघ भी पूरा सहयोग कर रहा है और हमने प्रयास ये किया है कि लोगों में एक जागरूकता पैदा हो। साइकिल के लिए आया, मेरे साथ चार पाँच लोग थे, हमने पहले इसके आयोजन किया था और आज जब ये सुविधा सुलभ हो गई है तो इसकी बहुत कहीं ज़्यादा ज़्यादा और ये हमारे बहुत से बड़ी। दिगंबर जैन महासमिति और ऑल इंडिया जैन डॉक्टर्स फोरम की ओर से जयपुर में निशुल्क चिकित्सा और जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में डायबिटीज, नेत्र, दंत, हड्डी विशेषज्ञ सहित विभिन्न बीमारियों के विशेषज्ञों द्वारा मरीजों की निशुल्क जांचें कर परामर्श दिया गया। राजस्थान लेखिका साहित्य संस्थान और अनुकृति प्रकाशन के तत्वावधान में आज जयपुर में पुस्तक संपादन कहीं का विमोचन किया गया। इस मौके पर लेखिका रेणु शर्मा ने कहा कि अनुकृति में संपादियों का संग्रह है जो सामयिक घटनाओं, साहित्य और समाज को रेखांकित करता है। इस अवसर पर साहित्य संस्थान के प्रबंध निदेशक सुधीर उपाध्याय ने लेखिका का सम्मान किया। मेरी किताब संपादक कहीं का आज विमोचन भी है और चर्चा पर चर्चा भी है। पुस्तक संपादक कहीं का विमोचन है, जिसमें उन्होंने समयानुसार जो घटित हो रहा है, संपादकीय जो लिखती थी उनका 2017 तक जितने भी संपादकीय लिखे हैं, देश विदेश के लोगों ने कहा कि इन सब संपादकीयों का एक संकलन होना चाहिए जिससे हम सब एक साथ उनको पढ़ सकें। जो समय समय पर घटनाएं उनमें चरितार्थ की गई हैं, समसामयिक घटनाएं बताई गई हैं, जो समाज में घटित हो रहा है उनमें कुछ सुधार होना चाहिए, वह सब का संपादकीय कहीं में संकलन करके जयश्री जी ने एक हम लोगों के लिए आदर्श प्रस्तुत किया है। जयपुर के प्रेस क्लब में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों, यौन शोषण सहित अनेक घटनाओं को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस मौके पर डिग्निटी मार्च संस्था की ओर से बच्चों और महिलाओं के यौन शोषण को समाप्त करने पर जोर दिया गया। संस्था का यह अभियान 22 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। ये यात्रा का मूल उद्देश्य है कि समाज में जो बड़े पैमाने पे अभी बलात्कार की घटनाएं या यौन उत्पीड़न की घटनाएं महिलाओं और बच्चों के साथ हो रही है उसको बंद करना है और उसी की संदेश पूरे समाज में और जो अलग अलग तबके हैं सरकार के उन तक पहुंचाने के लिए इस यात्रा की शुरुआत हमने बम्बई से करी है। जब हमने बॉम्बे से इस यात्रा की शुरुआत करी तकरीबन 5000 सर्वाइवर्स देश भर से वहाँ इकट्ठा हुए थे और दुनिया में पहले बार ऐसे हुआ है कि इतने बड़े पैमाने पर सर्वाइवर्स
एक साथ आए और उन्होंने तय किया कि वो जगह जगह जाके इस बात को लेके अलग जगाने की कोशिश करेंगे कि जो उनके साथ घटना हुई है वो किसी और के साथ ना हो। राजस्थान प्रौढ़ शिक्षण संस्थान जयपुर में आज रंगमंच और हमारा समय पर व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। इस मौके पर कवि संजीव मिश्र की स्मृति में संजीवन व्याख्यान दिया गया। संवाद सदस्य भानु भारती और दूरदर्शन जयपुर के पूर्व निदेशक नंद भारद्वाज ने भी अपने विचार रखे। इसीलिए आज के इस चर्चा में विषय है रंगमंच और हमारा समय। तो ये रंगमंच चूंकि अपने समय से आबद्ध है तो समय की चिंता रंगमंच की मूल चिंता हमेशा से रही। न्यूजीलैंड ने T20 क्रिकेट मैच 4 रनों से जीत लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड टीम ने भारत को निर्धारित 20 ओवर में 213 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसके जवाब में भारत ने 6 विकेट के नुकसान पर 208 रन ही बना सकी। 33 and Kunal Pandya 26. Earlier, India decided in fact to bowl first by winning the toss. With this victory, New Zealand sealed the T20 series 2-1. मौसम। पूर्वोत्तर में जारी बर्फबारी और ठंडी हवाओं के चलते मरुधरा में भी गलन भरी सर्दी से आम जन त्रस्त है। पिछले दिनों कई स्थानों पर बारिश के बाद ओले गिरने और बाद में चली सर्द हवाओं ने प्रदेशवासियों को ठिठुराए रखा। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अब ओलावृष्टि के कोई आसार नहीं है, लेकिन शीतलहर आने वाले 2 दिनों तक बनी रह सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि रात्रि के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट के साथ घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। तो ये तो थी देश प्रदेश की कुछ गतिविधियां, और आइए हम नजर डालते हैं अब तक के 15 महत्वपूर्ण खबरों पर। देखते रहिए DD राजस्थान। कहा, तेल और गैस परियोजनाओं का समय पर विकास हमारी प्राथमिकता। प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले में आज तीसरा शाही स्नान। वसंत पंचमी के अवसर पर शाही स्नान में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के साथ शाही अखाड़ों और उनसे जुड़े साधु संतों ने किया गंगा स्नान। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने आज अपने लोकसभा क्षेत्र जयपुर ग्रामीण में की विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत। दादुका गांव में महात्मा ज्योतिबा फुले की मूर्ति का किया अनावरण। महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश आज दौसा जिले के दौरे पर रही। भांडारेज में किया 3 करोड़ से अधिक लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास। गुर्जर समाज के आरक्षण आंदोलन से रेल और सड़क यातायात प्रभावित। सरकार ने कहा जल्द होगा समाधान। प्रदेश भर में ऋतुराज वसंत के आगमन पर वसंत पंचमी का पर्व आज पारंपरिक रूप से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मां सरस्वती की आराधना के साथ विभिन्न स्थानों पर हुए विभिन्न सांस्कृतिक आयोजन। वसंत पंचमी पर आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। प्रदेश में 5 और मरीजों की मृत्यु के साथ स्वाइन फ्लू से अब तक मरने वालों की संख्या हुई 105। 66 और नए स्वाइन फ्लू पॉजिटिव मरीज सामने आए। चित्तौड़गढ़ में आज से 3 दिवसीय चित्तौड़गढ़ फोर्ट फेस्टिवल का हुआ शुभारंभ। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने शोभा यात्रा को किया रवाना। शहर से दुर्ग तक निकाली गई शोभा यात्रा।
प्रदेश में चल रहे 30वें सड़क सुरक्षा सप्ताह का आज हुआ समापन। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और ट्रैफिक डीसीपी पूजा आवाना ने आम जन से सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद के लिए आगे आने की अपील। चूरू जिला मुख्यालय पर विधिक सेवा शिविर का हुआ आयोजन। 91 दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों के साथ वितरित की गई सहायता राशि। महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों और यौन शोषण सहित अनेक घटनाओं को लेकर जयपुर के प्रेस क्लब में आयोजित की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। बच्चों और महिलाओं के यौन शोषण को समाप्त करने पर दिया गया जोर। राजस्थान प्रौढ़ शिक्षण संस्थान जयपुर में आज रंगमंच और हमारा समय पर व्याख्यान माला का किया गया आयोजन। कवि संजीव मिश्र की स्मृति में दिया गया व्याख्यान। न्यूजीलैंड ने T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला जीती। आज खेले गए मैच में भारत को 4 रनों से हराया। और सुबह शाम ठंडी हवाओं के चलते प्रदेश में गलन भरी सर्दी से आम जन परेशान। श्री गंगानगर सहित उत्तरी राजस्थान में प्रदेशवासी गलन से हुए परेशान। साथ ही आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।